जैन दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है जोधपुर। बच्चों, जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आज मैं, उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। क्लियर? तो उसको देखिए, ब्लड रिलेशन क्या होता है, किस तरीके से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। केवल 5 मिनट का टॉपिक है। जय हिंद, सभी को जय हिंद। आज ही बच्चों, केवल 5 मिनट का टॉपिक है। 5 मिनट ढंग से सुनना। अगर तुमने ढंग से सुन लिया तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि सर, ब्लड रिलेशन किससे रिलेटेड होता है? तो पजल से रिलेटेड होता है। कोई भी टेक्निकल एग्जाम दीजिए आप, चाहे गेट दीजिए, चाहे कंप्यूटर टीचर दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर ब्लड रिलेशन जरूर आएगा। हाँ जी, करे बच्चों स्टार्ट अपना टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? ब्लड रिलेशन। समझने की कोशिश करना। अच्छा, रीजनिंग है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन से समझ में आएगी। लेकिन पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। कम बच्चे जुड़े आज, लाइव कम आए बच्चे। कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। कोई लाइव नहीं आ पाता, बाद में पढ़ लीजिए इसको, ठीक है? जैसे टाइम आता वैसे वैसे चलते जाओ। हाँ जी बच्चों, टॉपिक है ब्लड रिलेशन। सुनना बच्चों, 3 तरीके के रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता यह होता है, ये हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है बच्चों। याद रखना, जब मैं एरो इस तरीके की बनाऊं, यानी पूरी एरो बनाऊं, तो याद रखना ये हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। एक एरो और होती है, ये डेड नेट डेस वाली एरो है, ये ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता है बच्चों। ब्रदर सिस्टर मतलब एक जनरेशन वालों का रिश्ता है। और बच्चों, एक एरो में इस तरीके की बनाऊंगा, ये क्या है, नई जनरेशन का रिश्ता है बच्चों। ये पिताजी है, ये उसकी बेटी है, ये फादर है, ये उसकी डॉटर है। क्लियर बच्चों? ये 3 तरीके के रिश्ते होते हैं। एक वो जिसमें कपल को रिप्रेजेंट करता है, एक वो जिसमें स्पूज को रिप्रेजेंट करता है, एक वो जिसमें नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी मैं डेड डेड डेस लगाऊंगा, याद रखना ये क्या है बच्चों, आप बताइए। डेड डेड डेस लगा रहा हूं अगर मैं, तो बच्चों एक क्या मैसेज दे रहा है समझना, ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब दोनों भाई है बच्चों। क्लियर? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 100% आपके सामने आ जाएगा, बस आप पूरा सुनना। क्लियर? टॉपिक का क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। निमसेट में पिछली बार यहां से 5 क्वेश्चन आए थे। तो बच्चों, हर टॉपिक हर एक एग्जाम में आता है, चाहे बैंक दे लीजिए, चाहे SSC दे लीजिए, चाहे कंप्यूटर टीचर दे लीजिए, चाहे ISRO दे लीजिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, टेक्निकल एग्जाम कोई भी दे लीजिए, NVS KVS कोई भी दे लीजिए, सबके अंदर ये टॉपिक आता है। और ढंग से पढ़ना है बच्चों, रीजनिंग है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। दोनों तरफ प्लस लिखा, इसका मतलब दोनों ब्रदर है। हाँ, ये प्लस लिखा, यहाँ पर मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये ब्रदर है, वो सिस्टर है। अब बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने दोनों तरफ क्या लिखा, माइनस लिखा, इधर भी माइनस, दोनों तरफ ही माइनस कर दिया बच्चों, दोनों भाई ने, ये भाई है, ये बहन है बच्चों, ये दोनों भाई है, ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई कहे गुरु जी ऐसे भी तो बन सकता था, इधर सिस्टर इधर ब्रदर, वो तो एक ही बात है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। ये भाई है इसका, ये बहन है इसकी। बोलो क्लियर? मेरे हिसाब से डायग्राम को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए। बहुत आसान सा टॉपिक मैंने उठाया है। टॉपिक का क्या नाम है? ब्लड रिलेशन। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किया है, एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। आज का टॉपिक बच्चों अपना ब्लड रिलेशन है। क्लियर? ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता, यानी रक्त संबंध। क्लियर? इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, पजल में बहुत काम आएगा, तो सुनते जाइए। रिश्ते 3 तरीके के होते हैं। जब पूरी लाइन बनाऊंगा तो ये कपल को रिप्रेजेंट करेगा, ये कपल को बताता है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। जब मैं डेड रेस्ट वाली लाइन बताऊंगा, ये स्पूज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब भाई बहनों को रिप्रेजेंट करेगा। और जब मैं ऐसी एरो बनाऊंगा, ऐसे डाउन एरो बनाऊंगा, तो याद रखना ये नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बच्चों? आप बताइए ये क्या कह रहे हैं? तो ये भाई बहनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये भाई है इसका, या फिर ये भाई है इसका। क्लियर बच्चों? यानी दोनों आपस में भाई है। यहाँ पर आइए, ये क्या कह रहे हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये दोनों बहने हैं, और ये भाई है और ये बहन है। बोलो क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा कंटिन्यू नहीं आ रही, मैंने कहा था टेस्ट 1 वीक के लिए मैंने होल्ड किया है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। मैंने स्टडी मटेरियल आपको डाला है, देख लेना, अच्छी तरीके से स्टडी मटेरियल को कवर कर लेना। क्लियर? इस वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा, 100% इस वीक में आपका टेस्ट करवा देंगे। लेकिन और तैयारी कीजिए। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, तैयारी और कर लीजिए, पेपर बना हुआ है, कभी भी अनलॉक कर देंगे। क्लियर? क्लियर? प्रेरणा रोज आया करो, ठीक है? ठीक है, अनलॉक करना है, इधर से तो अनलॉक ही करना है बच्चों, पेपर बना हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए। क्लियर? अच्छा, अपना टॉपिक पढ़िए अभी, तो यहाँ ध्यान रखिए,
क्या बताया मैंने, इसके बारे में पूरा बता दिया। अब बच्चों मैं इसकी बात करता हूँ, सुनिए। ये क्या कहता है, ये कह रहा है ये फादर है, ये उसका सन है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये फादर है, ये उसकी बेटी है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये मदर है, ये उसका बेटा है। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये माँ है, ये उसकी बेटी है। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से इसके भी सारे रिश्ते सामने आ गए होंगे। अरे प्लस माइनस का खेल है, रिलेशनशिप प्लस माइनस का खेल है। क्लियर, मैं किसी का अंकल हूं लेकिन कोई ये कहे कि अरविंद सर तो मेरी चाची लगते हैं, अरे बच्चों ऐसे कैसे हो सकता है। प्लस का ध्यान रखिए, माइनस का ध्यान रखिए। बोलो क्लियर, ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझो, प्लस माइनस का ध्यान रखिए। क्लियर, अच्छा यहाँ पर आइए, इस रिश्ते को देखिए। ये कपल को रिप्रेजेंट करता है, कपल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर ये बोलिए यानी हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों एक बार बताऊं, मैं ऐसे इसमें बना के देखता हूँ, ये बन जाएगा क्या इसमें, कॉमन सेंस लगाना। तो बच्चों आजकल तो बन रहा है लेकिन वाकई ऐसा नहीं बनता, क्योंकि दोनों हस्बैंड कैसे हो सकते हैं। क्लियर, इसने इससे शादी की, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, है ना, रीजनिंग के केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ बच्चों अगर ये दोनों माइनस है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, एक हस्बैंड है तो दूसरा वाइफ होना ही पड़ेगा, ये रिश्ता यूनिक रिश्ता है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, और समझ में आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। क्लियर बच्चों, हाँ जी बच्चों यहां तक क्लियर। कानू प्रिया कह रही है सर नो सर, मतलब नहीं आया, वापस देख लो एक बार। मैं क्या कह रहा हूं, ये रिश्ता यूनिक रिश्ता है, इधर दोनों तरफ प्लस प्लस नहीं हो सकता और माइनस माइनस नहीं हो सकता, केवल इतना याद रखना है। क्लियर, वो आ जाएगा ना समय, समय के साथ आ जाएगा। बोलो ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ये नई जनरेशन है, डेड डेड डे से भी बोलूंगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ये तीन से ही मैं पूरा टॉपिक खत्म कर दूंगा, कल ये टॉपिक भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर, फिर सेटिंग अरेंजमेंट लेंगे। याद रखना कुछ भी नहीं है, दुनिया की किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कीजिए, बाकी आपके पास पीडीएफ आती जा रही है उनको करते जाइए। डिजिटल की पीडीएफ के लिए बच्चे कह रहे थे, मैंने कहा डिजिटल में कोई सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं है बच्चों, पूरे 1000 क्वेश्चन एक साथ डाले जाएंगे। क्लियर, पहले पूरा कोर्स कर लो डिजिटल का, फिर आपको डाल दिया जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना। नहीं चलिए यहाँ पर आइए, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट और समझो। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए मैंने कोशिश की और ये डायग्राम बन गया, ये सी, ये डेड डेड डी, और यहाँ पर ये फीमेल, और यहाँ पर ये एम है, और यहाँ पर मैंने कर दिया के, और ये फीमेल है, और यहाँ पर ये मेल है। बच्चों इस डायग्राम के बारे में अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्लियर, के क्या डायग्राम है एक बार बताओ। ए और बी ने शादी की, इनके बच्चे हुए एक सी और डी, सी और डी भाई बहन है, ये भाई है और ये बहन है। बी ने शादी की ए से, तो इसका मतलब ये फीमेल है, तो बाय डिफॉल्ट ये मेल हो गया। यहां तक भी क्लियर हो गया, ये मैंने अपनी तरफ से लगाया। ए और बी के बच्चों के नाम सी और डी है, डी की कहीं शादी हो गई होगी, इनके दो बच्चे हुए जिसका नाम एम और के है, एम और के भाई बहन है। चलो इस के सारे से सभी से रिश्ते बताना है, आप बताइए के एम क्या लगा के का। दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक तो ये है, देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एम क्या लगा, एम क्या लगा किसका के का, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। हाउ इज एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू के, रिलेटेड टू के, रिलेटेड टू के, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम क्या लगा किसका के का, तो एम का रिश्ता बताना है। हाउ इज एम, एम 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 किसका के का, एम क्या लगा के का, तो आंसर आएगा ब्रदर। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, मैंने दोनों तरीके से लिखा एम क्या लगा के का, क्लियर बच्चों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों का एक ही मतलब है। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी में अगर आपको पढ़ना है रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखा है, लेकिन फिर भी मेरी एक निजी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा ज्यादा इंग्लिश को प्रिफर कीजिए। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज है, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वाकई आपको हिंदी पढ़नी है कि गुरुजी हमको तो ये भी पता नहीं चल रहा क्या लगा को कैसे लिखते हैं, तो याद रखिए मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, हिंदी में वीडियो मैंने डाल रखे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है, वहां से देख लेना, दोनों तरीके से देखना, ये भी देखना और वो भी देखना, ठीक है। तो बच्चों क्या बना, हाउ इज एम रिलेटेड टू के, एम का रिश्ता बताना के के साथ, आंसर क्या जाएगा बच्चों, ब्रदर। क्लियर, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और मेरा क्वेश्चन है हाउ इज एम रिलेटेड टू के, एम रिलेटेड टू के, रिलेटेड टू के, बच्चों आंसर बदल जाएगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू के, तो ठीक है ब्रदर लगा, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पर क्या बना दूं बच्चों के, और यहाँ पर क्या बना दूं एम, सबको पता है ये आंसर बदल गया। हाउ इज के क्या लगा, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, k
के क्या लगा एम का, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सिस्टर। क्लियर, सब में आ जाना चाहिए। इसका आंसर सिस्टर आएगा, उसका आंसर ब्रदर आएगा। क्या कमेंट क्लियर है क्या, सॉरी ये जो कंसेप्ट है क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, आंसर कैसे देना है ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, उनको भी आपको कैच करना है, लेकिन पहले अपन के रिश्ते सबसे निकालते हैं। एम क्या लगा के का, तो एम भाई लगा। अच्छा, डी क्या लगी के की, तो याद रखिए रास्ता यही है। तो बच्चों भाई है, भाई की मम्मी है, मतलब खुद की मम्मी है, रास्ता यही है, यही रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है। बोलो क्लियर। अच्छा, के क्या, के का सी क्या लगा, सी क्या लगा के का, हाउ इज सी रिलेटेड टू के, हाउ इज सी रिलेटेड टू के, जो पहले लिखा होता है उसका रिश्ता बताना होता है दूसरे लिखे हुए से। इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, ध्यान रखिए, फर्स्ट का रिश्ता बताना है सेकंड वाले से, फर्स्ट का रिश्ता बताना है सेकंड वाले से, हाउ इज सी रिलेटेड टू के, हाउ इज सी रिलेटेड टू के। बोलो क्लियर। यहाँ पर आइए, हाउ इज सी रिलेटेड टू के, आप बताइए सी क्या लगा, रास्ता आपका ये देखिए आप, तो एक बार बताइए भाई है, भाई की मम्मी है, और जो क्लियर उसका भाई है, इसका मतलब मामा लगा। बोलो क्लियर। जो सी है वो के का क्या लगा, मैटरनल अंकल, याद रखना मेरी पीढ़ी वाले सब मेरे क्या है, ब्रदर और सिस्टर है। क्लियर, याद रखना ब्रदर और सिस्टर है। लेकिन अगर दूसरों के बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा के बच्चे होते हैं तो ब्रदर और सिस्टर होते हैं, दूसरों के बच्चे जैसे चाचा का बच्चा वो भी मेरी जनरेशन का ही है, बुआ का बच्चा वो भी मेरी जनरेशन का ही है। क्लियर, तो जो भी मेरी जनरेशन के बच्चे हैं जो मेरे मम्मी पापा से पैदा नहीं हुई है, क्लियर, उन सबको अपन क्या कहते हैं, कजिन। क्लियर बच्चों, कजिन ब्रदर और सिस्टर, या कजिन बोल दो, कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा मेरे फादर और मदर लगते हैं, इंग्लिश में अपन को आंसर देना होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स को समझो, मेरे मम्मी पापा मेरे फादर और मदर लगते हैं, तुम सब मेरी जनरेशन के ही हो, तो तुम सबके क्या लगे, तुम सबके अंकल लगे। क्लियर, खुद का रिश्ता अलग होता है, दूसरों के लिए रिश्ता अलग होता है। मेरे बेटी बेटी जो भी होंगे वो मेरे सन और डॉटर है, याद रखना वो तुम मेरी जनरेशन के हो, तो तुम्हारे क्या लगे, नेफियो निस लगे, भतीजा भतीजी लगे। क्लियर, बहुत सारे कहते हैं सर भाणेज, तो भाणेज तो मेवाड़ी शब्द है बच्चों। क्लियर, हम मेवाड़ में रहते हैं तो यह भाणेज है, लेकिन याद रखना अपन को नेफ्यू कहना है, और भतीजी है भाणजी है वो भी अपन को निसी कहना है, अपन को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ज्यादा ज्यादा यूज करना। क्लियर बच्चों, याद रखना खुद का रिश्ता खुद का है, दूसरों का जो रिश्ता है उसकी एक अलग डेफिनेशन है। बुआ को क्या बोलेंगे, तो अंट बोलेंगे। क्लियर, बुआ कहाँ है, एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है, लेकिन सगी माँ नहीं है। क्लियर बच्चों, दूसरों की माँ है, बुआ है वो, तो इसका मतलब वो अंट है, चाची है तो अंट है, मौसी है तो अंट है, सब है तो अंट है, खुद की मदर मदर है, बाकी सब अंट है। अच्छा, मेरे फादर है, बाकी फूफा जी क्या है, अंकल है। क्लियर, मामा क्या है, अंकल है, चाचा क्या है, अंकल है, ये कॉमन सेंस का इश्यू है, समझ में आ जाना चाहिए। बोलो क्लियर। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, इंग्लिश में ग्रैंडफादर किसको कहते हैं, तो नाना को भी कहते हैं और दादा को भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, ग्रैंडफादर नाना को भी कहते हैं और दादा को भी कहते हैं। क्लियर, क्योंकि अपन तीसरी पीढ़ी में आ जाते हैं, और किसकी वजह से आए, तो दोनों का बराबर रोल है, दादा का भी वही रोल है और नाना का भी वही रोल है, क्योंकि नाना की वजह से मम्मी आई और दादा की वजह से पापा आए, दोनों का इफेक्ट यहाँ पर है, तो इसके लिए ग्रैंडफादर दोनों है, दादा भी है और नाना भी है, बाकी सारी डेफिनेशन अलग अलग है, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्लियर, सुरेंद्र सिंह कह रहा है मामा, मामा ठीक है, मामा क्या कहना चाह रहा है पता नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि सी क्या लगा किसका के का, तो यही रास्ता है, देखिए इसका भाई, भाई की मम्मी, मम्मी का भाई, इसका मतलब इसका मामा लगा। बोलो क्लियर, याद रखना इसकी मम्मी का भाई क्या लगा, मामा। बोलो क्लियर, मामा का पिताजी के का क्या लगा, नाना लगा। बोलो क्लियर, और ये नानी हो जाएगी, मेरे हिसाब से सारे रिश्ते क्लियर है। याद रखना अगर आपके डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन एक एक सेकंड के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर कर लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर, यहाँ पर आइए, फिर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, मैं डायग्राम बना रहा हूँ कैच करना, ए और बी ने शादी की। क्लियर, और ये प्लस है, इनके दो बच्चे हुए, एक तो हो गया ई, एक तो क्या हो गया बच्चों ई, और एक कौन हो गया एफ। क्लियर, एफ की मेल है, ये मेल है, इसने भी शादी कर ली, इसने शादी कर ली जी से, और इसने शादी कर ली किससे, के से। क्लियर, इनके एक बच्चा हुआ जिसका नाम एच है, और इसके एक लड़की हुई जिसका नाम मान लीजिए एल है। क्लियर बच्चों, आप समझो इस रिश्ते को, समझ में आ जाएगा। एक बार बताइए, ए और बी ने शादी की, ये मेल है तो ये क्या है, फीमेल। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इनके दो बच्चे हुए, ए और बी के दो बच्चे हुए, एक तो हो गया ई
और एक हो गया एफ। देखिए ना ब्रांच कैसे आ रही है, सामने आ जाना चाहिए। फिर ई की भी शादी हो गई, ई की भी शादी हो गई किससे, जी से, और इनका एक बच्चा हो गया। एक परिवार ये है, एक परिवार में ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल होगा, ये क्लियर है। ये किसका परिवार है, तो ये ई का परिवार है। ई के परिवार में कितने मेंबर है, एक दो तीन। मम्मी पापा खुद के परिवार में नहीं आते, सामने आ गया। जैसे मेरे परिवार में कौन आएगा, क्लियर, जो डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ, कोई नाराज मत हो जाना। देख मेरे परिवार में मैं, मेरी मिसेज और मेरा बच्चा, क्लियर। तो याद रखना ये क्या है बच्चों, इसकी डेफिनेशन ई है, जी है, और ये क्या है एच। एक परिवार आपका ये है, क्लियर बच्चों, एक परिवार आपका ये है और एक परिवार आपका ये है। देखिए ये परिवार आपका ये है, समझ में आ गया होगा। ए और बी और इनके बच्चे, ए और बी के परिवार में ये काउंट होंगे, क्लियर बच्चों। लेकिन आप सबको पता है राशन कार्ड से नाम हट जाएगा शादी होने के बाद, आपको पता होना चाहिए क्या होता है और क्या नहीं होता। यहाँ पर आइए डेफिनेशन की बातें कर लेते हैं। ई और एफ दो भाई बहन है, इसकी शादी हो गई जी से, इसकी शादी हो गई के से। ये फीमेल है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मेल, क्लियर। इनकी एक लड़की हुई, ये क्या है एल। चलो एल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एल की मम्मी का क्या नाम है एफ, एल के पापा का क्या नाम है के, क्लियर। अब ये मम्मी का भाई है तो एल के मामा का क्या नाम है ई, तो एल की जो मामी हो गई वो कौन हो गई, जी, क्लियर बच्चों। और बच्चों ये दोनों अलग अलग फैमिली के बच्चे हैं लेकिन एक ही जनरेशन में, तो इसका कजिन ब्रदर ये हो गया और इसकी कजिन सिस्टर ये हो गई, बोलो क्लियर। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा अपना के बढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए, ढंग से सुन भी लोगे, रीजनिंग आ जाएगी, क्लियर। यहाँ पर आइए, एल है, एल की मम्मी है, एल का मामा है, मामा के पिताजी है, ये क्या हो गया नाना, ये एल का नाना हो गया और ये एल की नानी हो गई, क्लियर बच्चों। अब बच्चों एच के लिए अपन रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, क्लियर। एच के लिए रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, सुन रहे हो ना, तुम सब सुन रहे हो तो 100% सामने आ जाएगा, कोई ज्यादा नोट्स बनाने की इनकी जरूरत नहीं है, जैसे वो बोलेगा वैसे वैसे कर लेंगे। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, इस एल के लिए बताइए, एल के लिए मैंने बता दिया, अब एच के लिए ढूंढते हैं। एच के पापा का क्या नाम है ई, एच की मम्मी का क्या नाम है जी, पापा की बहन है तो एच की बुआ कौन है एफ, और फूफा जी कौन है तो के, क्लियर बच्चों। फूफा जी बुआ जी ये सब इस जनरेशन में होंगे, चाचा चाची सब इस जनरेशन में होंगे, क्लियर। इसके दादा कौन है तो पिताजी के पिताजी क्या हो गए बच्चों, दादा, और इसकी दादी कौन है तो इसकी दादी ये है, बोलो क्लियर। सारे रिश्ते देखिए इस डायग्राम ने रिप्रेजेंट कर दिए, कौन कौन से रिश्ते हैं, क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, कोई कहते वो उसका फादर है, फादर है तो इसका मतलब प्लस है, वो उसकी सिस्टर है इसका मतलब वो माइनस है। लेकिन अगर वो ये कहे ए और बी ब्रदर और सिस्टर है तो ये पता नहीं ब्रदर कौन है और सिस्टर कौन है, तो प्लस माइनस मत लगाना, फिर और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और एक बार अगर डायग्राम बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर बच्चों। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, नेम सेट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो आप टेक्निकल, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, उनको समझना, क्लियर। देखो बच्चों एक इंग्लिश वर्ड कैसे लिखते हैं, मैंने लिखा ए इज फादर ऑफ बी एंड अंकल ऑफ सी, अंकल ऑफ सी, क्लियर। एक तो ये लाइन लिखी मैंने और एक ये लाइन लिखी, ए इज फादर ऑफ बी हु इज द अंकल ऑफ सी। इन दोनों में बहुत अंतर है। देखो ये क्या कह रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट है, ए इज फादर ऑफ बी पूरा स्टेटमेंट है, इसको कंप्लीट स्टेटमेंट बोलते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ए इज फादर ऑफ बी पूरी इंफॉर्मेशन है, एंड अंकल ऑफ सी अधूरा है, या दोनों वेरिएबल है, ए और बी दोनों है, दोनों व्यक्ति है, रिलेशनशिप पता चल रहा है, ए इज फादर ऑफ बी, लेकिन बी के बारे में पता नहीं, वो बेटा है या बेटी है। ए के बारे में तो पता है वो पिताजी है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं वो बेटा है या बेटी है, बोलो क्लियर बच्चों। ये बन गया एंड अंकल ऑफ सी। ये एंड वर्ड किसके लिए आया है, याद रखना जो भी एंड होता है और होता है, कोमा होता है, क्लियर, हिंदी वाले तथा, या, किंतु, परंतु, ये सब वर्ड कनेक्टिंग वर्ड होते हैं और ये बच्चों हमेशा किसके लिए आते हैं, फर्स्ट के लिए, क्लियर। तो एंड की जगह अपन ए पढ़ेंगे, और आप पढ़ के देखिए एंड की जगह ए पढ़िए, ए इज अंकल ऑफ सी, ए अंकल है किसका, सी का, इसका मतलब यहां नहीं है, कोई दूसरा है जो मैंने ऐसे कर दिया, बस बच्चों
पता चल जाना चाहिए, मतलब इसका नहीं है, किसी और का है, इसके भाई बहनों में से किसी और का बच्चा है ये, क्लियर है बच्चों? या डेड एड्रेस लगा देंगे, सब समझ में आ गया होगा। अंकल कैसे बनते हैं, खुद के बच्चे बच्ची हो गए तो अंकल नहीं लगेगा, अंकल बनने के लिए इसको अंकल बनना है, तो इसके इसके जो बच्चे बच्ची नहीं, इसके भाई बहन है जो भी है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका बेटा बेटी है ये, कौन बच्चों से। अभी अपन को इसके बारे में पता नहीं कि यह प्लस है या माइनस है, लेकिन याद रखना इसके लिए ये अंकल है, क्लियर? याद रखना एंड वर्ड किसके लिए आता है, एंड और कॉमा ये सब फर्स्ट के लिए आते हैं, किसके लिए बच्चों, फर्स्ट के लिए। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, ये कनेक्टिंग वर्ड है, इंग्लिश वाले सर अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन डब्ल्यू एच ओ हु हुज हुम, डब्ल्यू एच वर्ड जितने भी है ना बच्चों, क्लियर? हु हुज हुम, क्लियर? या फिर जिस जिसका जो जिसका जय 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 जो जिन्होंने, ये सब हमेशा किसके लिए आते हैं, याद रखना ये सब हमेशा किसके लिए आते हैं, सेकंड के लिए। ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। हु मतलब बी, बी इज अंकल ऑफ सी, बी इज अंकल ऑफ सी। तो बच्चों डायग्राम अलग बन गया, देखिए आप, ए फादर है किसका, बी का। ए फादर है किसका, बी का। ए फादर है किसका, बी का। बी इज अंकल ऑफ सी, हु सेकंड के लिए। ये पूरा वर्ड है, ये पूरा सेंटेंस है, हु इस पूरे सेंटेंस में जो सेकंड है उसके लिए हु आया। बी इज अंकल ऑफ सी, बी है वो अंकल है किसका, सी का, क्लियर? अब बी का बेटा नहीं है, ये अंकल है, इसका मतलब यहाँ पर या तो कोई प्लस आएगा या माइनस आएगा। और इसका जो बच्चा है उसका नाम क्या है बच्चों, सी। अब सी मेल है फीमेल है पता नहीं, लेकिन इसका डायग्राम ये बनेगा, ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज अंकल ऑफ सी, समझ में आ गया होगा। या प्लस होगा तो भी अंकल है, माइनस होगा तो भी अंकल है, बी को अंकल घोषित करना है, ये लीजिए अंकल प्लस होता है। तो ये पूरा डायग्राम है इसका, क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना होता है ब्लड रिलेशन को। हु किसके लिए आता है बच्चों, सेकंड के लिए। कमेंट नहीं आया बच्चों, गायब हो चुके हो आप, कमेंट आते रहने चाहिए, क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ठीक है। बच्चों याद रखिए, ए इज फादर ऑफ बी, बी इज द अंकल ऑफ सी, या प्लस और माइनस का पता नहीं, देखेंगे सिचुएशन को उसके हिसाब से आंसर देंगे। डब्ल्यू एच वर्ड किसके लिए आता है, अगर मान लो यहाँ पूरा स्टेटमेंट नहीं है केवल एक वेरिएबल है, तो हु किसके लिए आता है, सेकंड के लिए, और एंड किसके लिए आता है, फर्स्ट के लिए। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अंजलि कह रही है सर ब्रदर और सिस्टर जो भी है, बी का या तो भाई होगा या बहन होगा, उसका बच्चा होगा सी, क्लियर? देखेंगे देखेंगे सब कुछ आ जाएगा सामने। हाँ जी बच्चों, क्लियर? अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन मैंने कोई नॉर्मल नहीं लिए, मैं सारे क्वेश्चन वो ले रहा हूँ जो निम सेट में आ चुके हैं या फिर बैंक पीओ में आ चुके हैं, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइन को पढ़िए, लाइन क्या कह रही है। हाँ जी बच्चों, सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। पी इज द सिस्टर ऑफ डी, कैसा डायग्राम बनेगा? टी सिस्टर है किसकी, डी की, ये लीजिए। मेरे हिसाब से जितना कहा जाए उतना करते जाइए, यही रीजनिंग है, यही रीजनिंग है। वेन डायग्राम तुमने पढ़ा, वेन डायग्राम में क्या सीखा, जितना बोले उतना करो, जबरदस्ती कुछ मत करो। इनइक्वालिटी में क्या बोला, जितना कहा जाए उतना करो, जबरदस्ती कुछ ना करो। क्लियर सीरीज तुमने पढ़ा, जितना बोला जाए मिडिल टर्म को देखो, आइडिया लगाओ, एक रिलेशनशिप को फाइंड करो और सोल्व कर दो, क्लियर? यहाँ पर आई, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, टी सिस्टर है किसकी, डी की। डी इज मैरिड टू पी, डी ने किससे शादी की है, पी से। लेकिन बच्चों अभी तक पता नहीं कि डी मेल है या फीमेल है। टी इज द सिस्टर ऑफ डी, जो लाइन है उनको पढ़ो, टी सिस्टर है डी की, डी इज मैरिड टू पी, क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। अब लाइन पढ़ो, पी द सन ऑफ एम, अब पी सन है किसका, एम का, पी सन है एम का। वापस देख लेते हैं बच्चों, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम आ गई, एक बार अपन वापस ले लेते हैं। देखो यहां पर बना रहा हूं मैं, थोड़ा और छोटा कर देता हूं इसको, यहां पर देखिए, पी द सिस्टर ऑफ डी, पी सिस्टर है किसकी बच्चों, डी की, ये लीजिए, ये डायग्राम बनेगा। डी इज मैरिड टू पी, डी ने किससे शादी की, डी ने शादी की पी से। बोलो क्लियर, यहां तक क्लियर। पी द सन ऑफ एम, पी सन है किसका, एम का, ये लीजिए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ये सन हुआ तो ये फीमेल हो गई, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन में एक मेल होता है तो एक फीमेल होती है। पी द सन ऑफ एम, पी सन है एम का, तो कहां दे रखा है एम, पिताजी है मदर है। अभी कुछ मत कीजिए, जितना बोला जाए उतना कीजिए, जितना बोला जाए उतना कीजिए, क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो, टी द मदर ऑफ जे, टी मदर है किसकी, जे की। तो बच्चों ये क्लियर कर लो, जे यहां आएगा,
टी मदर है जे की, जे के बारे में अभी तक पता नहीं है। टी इज द मदर ऑफ जे, टी इज द मदर ऑफ जे, टी इज द मदर ऑफ जे। नेक्स्ट, टी इज द मदर ऑफ जे। वाई इज द फादर ऑफ यू, वाई इज द फादर ऑफ यू। ना तो वाई आया है ना यू आया, कोई बात नहीं, इस लाइन को छोड़ दीजिए। वाई इज द फादर ऑफ यू, इस लाइन को मैंने छोड़ा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, जब आएगा तब पुट कर दूंगा। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, वाई के केवल एक बेटा और एक बेटी है। अभी तक ये लाइन भी नहीं आई, कोई बात नहीं, इस लाइन को भी छोड़ दीजिए। क्लियर बच्चों? अब यहां जाओ, यू इज द डॉटर ऑफ टी, यू डॉटर है किसकी, टी की। बच्चों यू कहां आएगी, यू यहां आएगी, क्योंकि इसकी डॉटर यू, ये लीजिए यू डॉटर है, ये लीजिए यू किसकी डॉटर है, टी की, टी के बेटे बेटी यहां आएंगे। और बच्चों यहां जे है तो इधर बैठा दो। यू इज द डॉटर ऑफ टी, क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू सन है किसका, डी का है, ये रहा इसका सन, मतलब इसका सन। लो बच्चों ये कौन हो गया, डी, क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू इज द सन ऑफ डी, क्यू सन है किसका, डी का। क्लियर बच्चों? यहां तक भी खत्म हो गया। अब जो लाइन है बच्चे उनको पढ़ लो। वाई द फादर ऑफ यू, यू का फादर बनाना है, मतलब इससे शादी करवानी है। बच्चों क्लियर है? एक ब्रांच से अगर आगे जाइए तो कोई दूसरी ब्रांच मत बना देना, याद रखना ब्रांच यही है इनकी। बच्चों यू, वाई द फादर ऑफ यू, वाई फादर है यू का, बच्चों वाई यहाँ आएगा और वाई फादर है, ये देखिए वाई फादर है। अरे इसका भी बेटा और इसका भी बेटा, देखो इसकी भी बेटी है और वाई की भी बेटी है, मतलब ये एक कपल है। क्लियर बच्चों? एक आदमी दो का बच्चा हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब वो हस्बैंड वाइफ हो। बोलो क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, वाई के केवल एक लड़का एक लड़की है, लड़की का पता चल गया इसका मतलब ये लड़का है। क्लियर बच्चों? सब कुछ पढ़ लिया, इस डायग्राम को देख लीजिए, ये डायग्राम क्या कह रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए ये डायग्राम, और एक परफेक्ट डायग्राम है। समझ में आ गया? कोई लाइन मैंने नहीं छोड़ी। एक बार इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए, एम के बारे में पता नहीं तो जबरदस्ती मत बनना कि सर फीलिंग्स आ रही है, दादा हो सकता है। अरे बच्चों ऐसे कैसे बोल देते हो, जब तक नहीं बोले तब तक कुछ मत कीजिए। बोलो क्लियर? एक बार मैं और बना के बताऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठाने की कोशिश की, ब्लड रिलेशन का इसलिए उठाने की कोशिश की, क्यों, क्योंकि आप बड़े को पढ़ोगे तो आपका दिमाग जल्दी सेट होगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों एक काम कीजिए, अपन क्वेश्चन अगली स्लाइड में लिया है मैंने, वही क्वेश्चन है और पांच आते हैं। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, हाउ इज पी, पी क्या लगा, पी का, ये लीजिए पी क्या लगा, पी ये रहा, टी ये रहा। बच्चों एक बार बताओ, ये इसकी बहन है, बोलो बहन का पति है, इसका मतलब ये इसका क्या लगा। तो एक बार बता देता हूं, अगर इंग्लिश में बोलो पी क्या लगा टी का, तो याद रखना जीजा जी लगा, क्योंकि बहन का, ये बहन है इसकी, ये बहन है इसकी, और बहन का पति क्या होता है, जीजा जी। बोलो क्लियर? लेकिन याद रखना खुद का जो भाई होता है उसको ब्रदर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रदर। लेकिन याद रखना, एक बात बताइए, ये ब्रदर है या ब्रदर इन लॉ है, तो ये ब्रदर इन लॉ है, भाई जैसा है, ब्रदर इन लॉ। बोलो क्लियर? ब्रदर इन लॉ है बच्चों। टी क्या लगा, टी का जीजा जी लगा, या तो यह आंसर दे दो या ब्रदर इन लॉ दे दो। बोलो क्लियर? एक बात बताओ बच्चों, मेरे ऊपर थोपे हुए रिश्ते क्या है, मान लो मैंने किसी से शादी की, तो उसका जो भाई है जिससे मैंने शादी की, जो मैडम का भाई है, वो मेरा भाई थोड़ी लगा, ब्रदर इन लॉ लगा। अच्छा मैडम के मेरे भाई क्या लगे, तो वो भी ब्रदर इन लॉ लगा। मैडम की सिस्टर मेरी क्या लगी, सिस्टर थोड़ी लगी, सिस्टर इन लॉ लगी। क्लियर बच्चों? और मैडम की मेरी बहने क्या लगी, तो भी सिस्टर इन लॉ लगी। खुद सगे भाई बहनी ब्रदर और सिस्टर होते हैं, हाँ ससुराल पक्ष के सब इन लॉज लग जाते हैं। समझ में आ गया होगा, ये इसकी बहन है बच्चों, इसके ससुराल वाले इसके क्या लगे, तो ये ब्रदर इन लॉ है किसका, टी का। तो पी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा, समझाने की कोशिश की है ना, तो देसी भाषा में देख लो, इसकी बहन का पति है, जीजा जी लगा, जीजा जी लगा। क्लियर? हाँ जी बच्चों, क्या हुआ नहीं है समझ में? अरे रिलेशन का थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना भाई, इसकी बहन है, इसकी बहन का पति, इसका क्या लगा, जीजा जी। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहां पर आइए, क्या क्वेश्चन था, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी क्या लगा किसका, टी का। समझ में आ जाना चाहिए, पी टी का क्या लगा, तो क्या हो गया बच्चों, आंसर आ जाएगा सी, ब्रदर इन लॉ। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है, टी इज द सिस्टर, बिल्कुल वैसा का वैसा है, वापस बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन उठा लीजिए। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे क्या लगा किसका, डी का, जे क्या लगा डी का। आ जाइए क्वेश्चन पे,
हाउ इज ए, देखो क्वेश्चन क्या था, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, ये क्वेश्चन था बच्चों। यहां पर आ जाइए, जे क्या लगा डी का, जे ये रहा और डी ये रहा। एक बार बताओ, एक पीढ़ी नीचे है तो पापा तो नहीं लगा जे, जे के बारे में बताना है। अरे एक पीढ़ी नीचे या तो बेटा बेटी लगेगा या नेफ्यू और निस लगेगी, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। खुद की ब्रांच है सन और डॉटर, अच्छा दूसरों की ब्रांच है निस और नेफ्यू, खुद की ब्रांच है ब्रदर और सिस्टर, दूसरों की ब्रांच है इसी लाइन में दूसरों की ब्रांच है कजिन लग जाएंगे, खुद की ब्रांच है फादर और मदर, दूसरों की ब्रांच है अंकल और आंट। क्लियर बच्चों, यही तो है और है क्या। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए जे क्या लगा डी का। एक बार बताओ, खुद की ब्रांच तो इधर है क्योंकि ये इसका हस्बैंड और ये खुद की ब्रांच है, तो ये तो सन लगा, लेकिन ये तो दूसरों की ब्रांच है, ये तो बहन की ब्रांच है, तो इसका मतलब जे क्या लगा नेफ्यू, सन में आ गया होगा। हाउ इज जे रिलेटेड टू डी, जे क्या लगा बच्चों नेफ्यू। अब तो सन में आ ही जाना चाहिए, सन में आ ही जाना चाहिए, नेफ्यू लगा और माइनस होती तो निस लगती। क्लियर है बच्चों, एक जनरेशन में होते इसी में तो ब्रदर सिस्टर या कजिन होते। अच्छा इस जनरेशन डी के लिए ये जनरेशन क्या है, बेटा बेटी नेफ्यू निस है। अच्छा डी के लिए ये जनरेशन क्या है, फादर मदर अंकल आंट है। क्लियर बच्चों, डी के लिए ये जनरेशन क्या है, ये वाली जनरेशन क्या है, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड अंकल बोलो। क्लियर, या ग्रैंड मदर और ग्रैंड आंट है, समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर, खुद का रिश्ता है, खुद का रिश्ता है तो अलग बात है और दूसरे का रिश्ता है तो अलग बात है। क्लियर बच्चों, समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ क्वेश्चन। हाउ इज, क्वेश्चन वही है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू क्या लगा किसका, एम का। हाउ इज क्यू, क्यू क्या लगा किसका, एम का। ये लीजिए, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्वेश्चन ये था, समझने की कोशिश करना। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू, क्यू रिलेटेड टू एम। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना, क्यू क्या लगा एम का, तो क्यू लगा बेटे का बेटा पोता लगा, क्लियर ग्रैंडसन लगा। क्लियर, लेकिन अगर वो ये पूछ लेता हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम रिलेटेड टू क्यू, तो बच्चों आंसर आएगा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माई, क्योंकि एम क्या लगा क्यू का, तो दादी भी आ सकती है और दादा भी आ सकता है। हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू नहीं बता सकते, दादा दादी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये क्या लगा, पोता लगा ग्रैंडसन। क्लियर बच्चों, सन में आ जाना चाहिए, ये बेटे का बेटा है, इसका मतलब क्या है, ग्रैंडसन सन में आ जाना चाहिए। अच्छा हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, तो आंसर आएगा ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर गलत है, ग्रैंड मदर गलत है, ग्रैंड मदर भी गलत है, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकता, तो फिर आंसर सही क्या होगा, तो ग्रैंड फादर ऑब्लिक ग्रैंड मदर। क्लियर बच्चों, क्लियर, या तो ये होगा या फिर ध्यान रखना ग्रैंड मदर। देखो बच्चों स्पेस कम रह गया थोड़ा, लेकिन समझ जाइए, भावनाओं को समझिए, ये क्या है ग्रैंड मदर, और याद रखना या फिर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माइंड, तो सही आंसर यही होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू माइंड या डेटा इनएडिक्वेट, डेटा अपर्याप्त है, कॉन्ट्रीब्यूटेड। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन और देखिए। क्लियर बच्चों, बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को खुद कीजिए, बिल्कुल बना के देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन बना के देखिए, खुद बना के देखिए क्वेश्चन को।
चलो एक क्वेश्चन में और समझाता हूँ, देखिए आप। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आइए। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, एस सिस्टर है किसकी, बी की। देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, एस इज द सिस्टर ऑफ बी, एस है वो सिस्टर है किसकी, बी की। डेट डेट एस, ये लीजिए बी। क्लियर बच्चों, सन में आ जाना चाहिए। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, एस सिस्टर बी की। बी को जबरदस्ती भाई मत बना देना कि सर बी लग रहा है तो भाई ही होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, के इज द ब्रदर ऑफ बी, के ब्रदर है किसका, बी का। ये लीजिए, के इज द ब्रदर ऑफ बी, ये डायग्राम बनेगा। अभी तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। के इज द ब्रदर ऑफ बी, एस इज द सिस्टर ऑफ बी, सन में आ जाना चाहिए। के भाई है किसका, बी का। एस बहन है किसकी, बी की। बी के बारे में कुछ नहीं बोला उसने, बी के बारे में कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट चलिए, के इज द सन ऑफ एल, के सन है किसका, एल का। के सन है एल का, एल यहां जाएगा। बोलो क्लियर, के इज द सन ऑफ एल, एल इज मैरिड टू वाई, एल ने किससे शादी कर ली, किससे शादी कर ली, वाई से। के सन है, के इज द सन ऑफ एल, एल के बारे में पता नहीं कि मेल है या फीमेल है, लेकिन एल इज मैरिड टू वाई, एल ने किससे शादी कर ली, वाई से। वाई इज द डॉटर ऑफ जे, वाई डॉटर है किसकी, जे की। बच्चों जे यहां आ जाएगा, जे यहां आ जाएगा, क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ही ये फीमेल हुई, ये क्या हो गया, मेल, क्योंकि ये जो है इसमें बाय डिफॉल्ट एक मेल है तो एक फीमेल है। बोलो क्लियर, ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। एल इज मैरिड टू वाई, एल इज मैरिड टू वाई, वाई द डॉटर ऑफ जे, वाई डॉटर है किसकी, जे की। बच्चों यहां तक खत्म, अब यहां जाइए। वाई हैज ओनली वन डॉटर, वाई के केवल एक बेटी है, वाई के केवल एक बेटी है। एक बार बताओ, इसी का तो कुनबा है बच्चों, ये इन दोनों ने शादी की, एक ये हुआ, एक ये और एक ये, और कह रहा है वाई हैज ओनली वन डॉटर, लड़की एक ही है, तो ये बाबू भी लड़का ही है। क्लियर बच्चों, जे इज मैरिड टू सी, जे ने किससे शादी की है, सी से। ये लीजिए, जे ने किससे शादी की, सी से। जे इज मैरिड टू सी, जे इज मैरिड टू सी, अभी तक कुछ दिया नहीं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। क्लियर बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। के इज द ब्रदर ऑफ बी, के भाई है किसका, डी का। के भाई है किसका, डी का। के इज द ब्रदर ऑफ डी, एक ध्यान रखना यहाँ ओनली वर्ड था इसलिए मैंने ओनली लगा दिया। के इज द ब्रदर ऑफ डी, याद रखना डी यही आएगा। क्लियर, कुनबा काफी बड़ा है बच्चों, इन्होंने शादी की, फिर चार बच्चे हुए हैं इनके, लेकिन वो कह रहा है डॉटर केवल एक ही है, डॉटर केवल एक ही है। तो बच्चों के इज द ब्रदर ऑफ डी, के इज द ब्रदर ऑफ डी, इसका मतलब सबको पता है ये भी मेल ही है। डी इज मैरिड टू टी, डी ने किससे शादी कर ली, डी ने शादी कर ली बच्चों टी से। ये लीजिए, ये फीमेल हो गई। बच्चों ये डायग्राम बन गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। डी इज मैरिड टू टी, बच्चों देखिए क्या डायग्राम क्लियर है क्या, कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट कर दो और मैच करो, क्या तुमने ये डायग्राम बनाया है क्या। इसको पजल कहते हैं, ब्लड रिलेशन की, बहुत आसान होती है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे कैसे आए इसके ऊपर देख लीजिए। ये आर आर बी पीओ में आया है, यहाँ पर उठाइए। ये पी द ब्रदर ऑफ सी, ये पी है वो भाई है, पी द ब्रदर ऑफ सी, ये पी द ब्रदर ऑफ सी बना देते हैं अपन। पी द ब्रदर ऑफ सी, पी का है बच्चों, अभी तक नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है यहाँ बना दो। पी भाई है किसका, सी का। ये पी द ब्रदर ऑफ सी, ये पी द ब्रदर ऑफ सी, ये पी द ब्रदर ऑफ सी, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू पी क्वेश्चन है। हाउ इज जे रिलेटेड टू, जे रिलेटेड टू पी, क्लियर, रिलेटेड टू पी। ये पजल का पार्ट नहीं है ये वाला, ये पी द ब्रदर ऑफ सी, ये पजल का पार्ट नहीं है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है। क्वेश्चन खत्म करते इसको डिलीट कर देंगे, ये तो जबरदस्ती बनाया है, पजल तो अपनी इतनी ही है। तो वो कह रहा है अगर पी सी का भाई है तो बताओ हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, जे है वो पी का क्या लगा। एक बार बताइए, अगर मान लो ये फीमेल है, ये फीमेल, तो बच्चों इसकी बहन का क्या लगा, ये फीमेल होते ये मेल हो जाएगा, तो इसकी बहन है उसका हस्बैंड मतलब जीजाजी लगेगा। बच्चों जी जीजाजी हो सकता है, क्लियर, जो जे है वो जीजाजी हो सकता है। अगर मान लो ये मेल है तो इसकी भाई की वाइफ लगेगी, मतलब भाभी लगेगी, या तो जीजाजी लगेगा, ब्रदर इन लो, या फिर सिस्टर इन लो। क्लियर बच्चों, नहीं बता सकता आंसर क्या आएगा, ये नहीं बता सकता कि जे क्या लगा पी का, मैं नहीं बता सकता। क्लियर बच्चों, सन में आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि याद रखना
ये प्लस है, इसका रिश्ता इससे है, तो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, मतलब दोनों भाई है और भाई की वाइफ हो जाएगी, ये प्लस होता है, ये माइनस हो गया, मतलब भाभी लगी, और अगर ये माइनस है तो इसकी बहन का ये पति लगा, मतलब जीजाजी। क्या तुम जीजाजी जीजाजी कहीं जा रहे हैं और तुम बोल दो भाभी जा रही है, एक ही बात है क्या? जीजाजी अलग है, भाभी अलग है, दोनों रिश्ते ही अलग है, समझ आ जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, भाभी आएगी, भाभी आएगा, कैसे आएगा, क्यों भाई ऐसी क्यों प्रॉब्लम है? एक बार बताओ, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो बच्चों ये इसके भाई की पत्नी है तो भाभी आएगी, और अगर मैं सी के ऊपर टिका हुआ ही, सी क्या है, अगर सी को मैं माइनस कर दूं तो बच्चों पी का क्या लगा, जे, पी का क्या लगा, जे, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो इसकी जो वाइफ है, इसकी वाइफ का पति है, इसका मतलब क्या आएगा, जीजा जी। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। प्रियंका ने बोला सर भाभी आएगी, भाभी जे का बताया हुआ है ना सर क्वेश्चन में, जे का क्या बताया हुआ बताइए, क्या बताया हुआ जे का, जे का तो कुछ बताया नहीं है, जे इज मैरिड टू सी, बस इतना ही है, जे ने सी से शादी कर रखी है, तो शादी तो बस यही लाइन बनती है, मेल फीमेल कहाँ बताया हुआ है, आप बताइए। हाँ जी बच्चों बताइए, कहाँ बता रखा है कि जेल में जे मेल है या फीमेल है, क्या है, कुछ नहीं बता रखा। क्लियर, एक के लिए और इनके लिए बोल रहा है, उसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आपका डायग्राम तो केवल इतना था, उसको जबरदस्ती ये मत बनाओ कि गुरुजी एक मेल ले लो एक फीमेल ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। जे का बताया हुआ है ना सर क्वेश्चन में, नहीं बता रखा, क्वेश्चन आपके सामने ही है, देख लीजिए कहाँ बता रखा है। क्लियर प्रियंका, समझ में आ गया क्या मैं क्या कह रहा हूं? कोई लाइन आपको ऐसी लग रही है क्या जिसमें जे के बारे में बता रखा है? मैरिड कपल है, मैरिड कपल का मतलब ये थोड़ी होता है कि मेल है या फीमेल है, मैरिड कपल का मतलब है एक मेल है तो दूसरा फीमेल है। हाँ अगर वो ये देता है इज द हस्बैंड ऑफ बी तो ये पता है वो हस्बैंड है। क्लियर? हाँ जी प्रियंका, इसका आंसर नहीं बता सकते क्योंकि जीजाजी को भाभी नहीं बोल सकते, जीजाजी जा रहे हैं और अपन बोल दे भाभी जा रही है, बच्चों अंतर है, जीजाजी को भाभी नहीं कह सकते, कांट बी डिटरमाइन है, ये प्लस माइनस चेंज करते सब कुछ बदल जाता है। जे क्या लगा पी का, पहले ये रिश्ता बताओ, फिर यहां से यहां पर आओ, डायरेक्ट यहां से कैसे आओगे, समझो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिए आंसर क्या आ जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा बच्चों। कैसे बता सकते हो तुम कि पी द ब्रदर ऑफ सी, देन हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, कांट बी डिटरमाइन। हाँ जी बच्चों क्लियर है क्या, क्लियर है सभी के? नेक्स्ट, अब बच्चों अपने क्वेश्चन पे आइए आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। पहले तो अपने क्वेश्चन को खत्म करो, क्या था अपना क्वेश्चन, वन तक आ जाइए, अपने क्वेश्चन में लास्ट क्या था, अपने क्वेश्चन में बच्चों लास्ट ये नहीं था, क्लियर समझ जाइए, अपने क्वेश्चन में लास्ट ये नहीं था। क्लियर बच्चों, अपना क्वेश्चन तो केवल इतना ही था, तो इसी में से आंसर देना है बच्चों। फिर ये कहां से आया, वो तो कंडीशन खुद जोड़ रहा था, ये कंडीशन खुद जोड़ रहा था, अगर ऐसा है तो बताइए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन खत्म, उस कंडीशन को भी हटा दो, अगले पे आ जाओ। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, क्वेश्चन क्या है, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, टी क्या लगा किसका, एस का, टी क्या लगा एस का, टी हाउ इज, पढ़ो लाइन, हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। क्लियर बच्चों, समझ जाइए, टी क्या लगा एस का, टी कहां है बच्चों, ये रहा, और एस कहां है, ये रहा, देखो इधर, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई है, इसके तो बहुत सारे भाई है बच्चों, एस का भाई बी है और डी की वाइफ है, तो हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, मतलब एस की टी क्या लगी, टी भाभी लगी, क्योंकि इसके भाई की वाइफ है, क्या लगी, भाभी। अब भाभी क्या है, सिस्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, शादी के बाद के रिश्ते हैं, अरे शादी के बाद के सारे रिश्ते ब्रदर सिस्टर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ब्रदर इन लो सिस्टर इन लो, इसको बोलते हैं अपन भाभी, टी है, वो एस की भाभी लगी, मतलब क्या हो गई, सिस्टर इन लो, समझ में आ जाना चाहिए, भाभी, हाँ जी सिस्टर इन लो लगी, देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लो। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, अभी तक क्लियर है क्या बच्चों? अरे बच्चों क्या हुआ, सब गायब हो गए, बीच में 20 बच्चे तक आ गए थे, अब बिल्कुल गायब हो गए, क्या हुआ, इतना टफ पढ़ रहा है क्या? बहुत आसान है, केवल डायग्राम बनाना है,
थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको, हिम्मत 5% लाइए, 95% मैं आपका काम कर दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ो। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ डी, नहीं ये तो क्वेश्चन अलग आ गया। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, क्या वही क्वेश्चन है? क्या वही क्वेश्चन है? यहां जाइए, अब क्वेश्चन उठाओ। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, इफ ये कंडीशन है, उसी क्वेश्चन में कंडीशन लगा दो। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, इफ, चलो एक बार अपन पूरा डायग्राम वापस बना ले। क्लियर इसका आगे इसका कोई क्वेश्चन होगा नहीं है? चलो एक बार वो डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लियर आ जाए। देखो जो जिनको डाउट है उनके भी क्लियर हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन क्या है? एस इज द सिस्टर ऑफ बी, एस है, एस है, एस है, वो सिस्टर है किसकी? बी की। बोलो बी यही बनेगा। आगे बढ़ो। के इज द ब्रदर ऑफ बी, के भाई है किसका? बी का। के भाई है किसका? बी का। बच्चों यही बनेगा। हाँ जी बच्चों चले एक बार और देख लेते हैं पूरा डायग्राम। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर सर ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, एस सिस्टर है किसकी? बी की। ये लीजिए। और के इज द ब्रदर ऑफ बी, के इज द ब्रदर ऑफ बी, कैसे बनाया? इसके ऊपर कमेंट आया था, सर एक बार बनाना और बताइए, देख लेते हैं। क्लियर? के इज द ब्रदर ऑफ बी, के भाई है किसका? बी का। बी के बारे में कुछ नहीं दिया। आगे पढ़िए। के इज द सन ऑफ एल, के सन है किसका? एल का। क्लियर? एल इज मैरिड टू आई, एन ने किससे शादी की? एन ने शादी की वाई से। क्लियर बच्चों? एल इज मैरिड टू वाई, वाई इज द डॉटर ऑफ जे, वाई डॉटर है किसकी? जे की। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों एक बार बताओ, वाई डॉट मेल फीमेल होते ही ये क्या हो गया? मेल, क्योंकि मैरिड कपल है। क्लियर बच्चों? अब ये क्या कह रहा है? वाई है ओनली वन डॉटर, वाई के केवल एक बेटी है। बच्चों ये कपल है, इसके एक बेटी है, इसका मतलब ये बेटा है। यहाँ पर ओनली वर्ड लगा दो कि ओनली एक ही डॉटर है। क्लियर बच्चों? वाई इज ओनली वन डॉटर। जे इज मैरिड टू सी, जे ने किससे शादी की? जे ने शादी की किससे? सी से। अभी सी के बारे में पता नहीं। क्लियर? के इज द ब्रदर ऑफ डी, के भाई है किसका? डी का। के भाई है डी का, के भाई है डी का। अभी तक डी के बारे में पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है ओनली एक ही फीमेल है, तो ये क्या हो गया बच्चों? मेल। नेक्स्ट चलिए। डी इज मैरिड टू टी, डी ने किससे शादी की? डी ने शादी की टी से। ये मेल है, तो ये क्या हो गई? फीमेल। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, अरे अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। मैंने क्या पजल उठा के गलती कर दी क्या? पहले मैं एक एक लाइन के क्वेश्चन कराना था आपको? नहीं, वो तो मैंने डायग्राम के साथ ही करा दिए थे। क्लियर है? दशरथ सिंह, नो ऑडियो नो वॉइस। अरे बाबू अब तो आ रहा होगा, ठीक है चले आगे। हाँ जी आगे बढ़ो। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, जेड है वो टी की बेटी है। ये लीजिए, इसकी बेटी बनाओ था इसकी बनाओ, ये दोनों एक ही ब्रांच के हैं। तो बच्चों ये लीजिए, जेड इज द डॉटर ऑफ टी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड? बी क्या लगा जेड का? ये रिश्ता बताना है, बी क्या लगा जेड का? देखो इसके पापा, पापा का भाई और पापा का भाई, इसका मतलब अंकल। आंसर क्या आ जाएगा? अंकल। समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं? अब बच्चों जैसे ही अपन इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ये वाली ब्रांच हटा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। ओरिजिनल पजल तो इतनी ही है, ओरिजिनल पजल तो यही है। क्लियर बच्चों? अच्छा चलिए अपन आगे बढ़े, उससे पहले सबके समझ में आ गया है तो एक बार देख लीजिए, या तो फिर मैं आगे चल रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, इसको मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। जो भी अपन ने ब्रांच बनाई अलग से, जो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था उसको मैंने हटा दिया। क्लियर? आप खुद बनाना क्वेश्चन के हिसाब से इसका अनुसार कलर। अब देखो, इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, लाइन पढ़ो। इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड? जेड है वो टी की डॉटर है। बना देते हैं इसी डायग्राम में। जेड इज द डॉटर ऑफ टी, जेड है वो डॉटर है किसकी? टी की। देन हाउ इज, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड? ये तो हो गया बच्चों, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया होगा? इफ जेड इज द डॉटर ऑफ टी, यही तो क्वेश्चन था। जेड इज द डॉटर ऑफ टी, देन हाउ इज बी रिलेटेड टू जेड? मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन है, दो बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बच्चों? अंकल लगा, सेम क्वेश्चन है, अंकल लगा। नेक्स्ट। हाँ जी, आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, अच्छा समझ में आएगा, देख लीजिए। ये आया कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया
देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको क्या करना है कि अगर किसी को इंग्लिश से थोड़ी सी भी दिक्कत है, मैंने हिंदी में ब्लड रिलेशन पढ़ा रखा है, आप जाके उस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास किस में जाना, मैं के वीडियो में जाना, वीडियो के अंदर ब्लड रिलेशन पढ़ लेना। मैंने बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन जब मैं इधर से बोलूं पढ़ लो तभी पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना। क्लियर, यहाँ से समझ में आ ही रहा है, प्रैक्टिस हिंदी में करनी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों मेरी निजी राय है, आप टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ी सी इंग्लिश को भी यूज करो, बहुत आसान लैंग्वेज है। क्लियर, आर इज अंकलों पे, आर अंकल है किसका, ए का। बच्चों ए ये रहा, ए का फादर यहाँ आएगा, या जो भी आएगा यहाँ पर, चाहे फादर आए चाहे मदर आए, इसका जो रिश्ता होगा वो आर होगा और आर मेल होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अंकल ऐसे ही बनता है, मतलब ये नहीं है, खास नहीं है, खास के भाई या बहने हैं। तो बच्चों आर को अंकल बनाना है किसका, ए का। या फीमेल आएगी तो भी अंकल होगा, या मेल आएगा तो भी अंकल होगा। बोलो क्लियर, ये डायग्राम क्लियर है क्या, बता दीजिए क्या ये डायग्राम क्लियर है क्या। आर इज द अंकल ऑफ ए, आर इज द अंकल ऑफ ए, अरे मामा होगा तो भी अंकल होता है, और चाचा होगा तो भी अंकल होता है। अंकल मतलब खास के अलावा, एक मेल है वो अंकल है। क्लियर बच्चों, खास नहीं है, खास के अलावा जो मेल है वो अंकल। आर इज ग्रैंड फादर ऑफ, आर इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, आर ग्रैंड फादर है किसका, क्यू का। आप एक बार बताइए, आर ग्रैंड फादर है तो बच्चों एक बार बताइए वो ब्रांच यहीं से निकलेगी। क्लियर, आर ग्रैंड फादर है, यहाँ पर कोई आएगा। क्लियर, यहाँ का पता नहीं, यहाँ पर मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकता है। आर ग्रैंड फादर है, आर ग्रैंड फादर है, आर इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, क्यू यहाँ आएगा। याद रखना, याद रखना, इसके बेटी होगी, बेटी का बेटी या बेटा होगा तो भी ये ग्रैंड फादर बनेगा, क्योंकि ग्रैंड फादर का मतलब दादा दादी दोनों होते हैं, और अगर यह मेल होगा तो भी ये ग्रैंड फादर बनेगा। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखिए या प्लस माइनस में से कोई भी आ सकता है, या प्लस माइनस में से कोई भी आ सकता है। आर को ग्रैंड फादर बनाना है, किसका ग्रैंड फादर बनाना है, क्यू का। क्लियर, क्लियर समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्रैंड फादर का मतलब दादा भी होता है, नाना भी होता है। प्लस का बच्चा है तो ये दादा होगा, और माइनस का बच्चा है तो ये नाना होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर समझ में आ गया होगा। कपिल जय हिंद अब कर रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम पे आया करो। क्यू इज ब्रदर नेम इज पी, क्यू के भाई का नाम क्या है, पी। ये लीजिए, क्यू का भाई है ये, जिसका नाम क्या है, पी। मेरा कोई रोल नहीं है, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, डायग्राम बनाना मैंने सिखा दिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट चलिए, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू ए, पी का रिलेशन क्या है किससे, ए से। ये क्लियर कर लो आप, इसके खुद की ब्रांच नहीं है, इसका मतलब इसके एक ब्रांच नीचे है, और एक ब्रांच नीचे बेटे बेटी तो नहीं हो सकते, बेटे बेटी तो यहां होते हैं। बच्चों क्लियर कर लो, बेटे बेटी तो यहां होते हैं, इनका तो रिश्ता ही नहीं है, सगों का रिश्ता ही नहीं है। बच्चों एक ब्रांच नीचे है तो क्या होंगे, ये नेफ्यू और निस होंगे, सन और डॉटर तो हो ही नहीं सकते। एक जनरेशन नीचे या तो सन डॉटर या निस और नेफ्यू होते हैं, खुद के सगे नहीं है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, आप पढ़ लीजिए। देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू ए, क्लियर। तो क्या बच्चों याद रखना, ए क्या लगा किसका, पी का। पी टू ए, पी टू ए समझ में आ गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी टू ए, पी का रिश्ता ए से क्या है, ए क्या है, पी का क्या है, ए अंकल है, फादर मदर तो नहीं है, अंकल है क्योंकि दूसरी ब्रांचों के हैं, क्या लगे अंकल, आंसर क्या जाएगा अंकल। क्लियर बच्चों समझ में आ गया होगा, वो वैसा क्वेश्चन नहीं है हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, ऐसा क्वेश्चन नहीं है हाउ इज पी रिलेटेड टू ए। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन नहीं है, वो ये कह रहा है ए, ए क्या लगा पी का, ए क्या लगा पी का। क्लियर, इसका ये मतलब है पी का, ए क्या लगा पी का। व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी टू ए, पी का ए से क्या रिश्ता है। क्लियर बच्चों समझ में आ जाना चाहिए, कमेंट कर दीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी क्लियर है क्या बच्चों, लैंग्वेज समझ लेना, मैं तो हिंदी में पढ़ लेना। ए क्या लगा पी का, ए क्या लगा, ए क्या लगा, ए क्या लगा, ए क्या लगा, ए क्या लगा किसका, पी का। ए क्या लगा तो खुद की ब्रांच में नहीं है, अच्छा ये होता तो मदर या फादर होता, इसके लिए पूछा ही नहीं है, ये तो ब्रांच ही अलग हो गई। इनके तो बच्चों, इसके तो दादा है ना, उसकी बहन
या फिर उसके दादा का भाई का बच्चा बच्ची है, मतलब इससे एक जनरेशन ऊपर तो है लेकिन सगे नहीं है, और सगे नहीं है तो अंकल और आंट होते हैं। क्लियर है, कंसेप्शन में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी बता दीजिए। हाँ जी बच्चों, ये बोल रहा पी2ए का रिश्ता क्या है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक है ब्लड रिलेशन। कल इससे आगे बढ़ेंगे, 15 तक मैंने करवा दिए, इससे कल आगे बढ़ेंगे। पूरे क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिस करना, हिंदी वाले रिकॉर्डेड डाल दिए मैंने, हिंदी में पढ़ लेना। क्लियर, यहीं पर मिल जाएंगे। जो आपका कंप्यूटर टीचर का मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट है, सॉरी कंप्यूटर टीचर नहीं, मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट में जाना और ब्लड रिलेशन देख लेना, वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। क्लियर बच्चों, थैंक्स। अगर वीडियो में नहीं मिले तो लाइव में चले जाना, ठीक है, थैंक्स।